स्टॉक्स कौन से हैं? तीन बड़ी खबरें जो कि हमारे त्रिमूर्ति सेगमेंट में हैं, सौमित से जानते हैं। सौमित, गुड मॉर्निंग, बताएं। तो पहले तो ईक्लर्क्स पे फोकस रहेगा। आप कंपनी के अगर रिजल्ट्स आप देखेंगे तो प्रीटी मच इनलाइन थे एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने। डॉलर रेवेन्यू में हमें करीब 4% का ग्रोथ दिखा और मार्जिन में भी एक अच्छी खासी क्यू ऑन क्यू एक्सपेंशन देखने को मिली। करीब 27.9% का मार्जिन आया है और 27.3% की एक्सपेक्टेशंस थी। बट उससे बड़ी खबर जो ये थी कि वो है बायबैक अनाउंस किया है कंपनी ने। करीब 300 करोड़ का बायबैक है, टेंडर रूट से है और बायबैक का जो प्राइस है वो करीब 38% प्रीमियम पे है करंट मार्केट प्राइस के सामने। बायबैक प्राइस करीब 1900 रुपीज़ का है और करंट मार्केट प्राइस कंपनी का 1375 का है। उसके अलावा अगर हम देखते तो बेक्टर फूड्स के अगर आप रिजल्ट देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट थे बोथ ऑन YOY एंड ऑन क्यू ऑन क्यू बेसिस। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर अगर हम देखें तो रेवेन्यू में 15% की ग्रोथ थी, नेट प्रॉफिट 80% से ग्रो हुआ, एबिटा में 41% की ग्रोथ थी और मार्जिन में भी करीब 200 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन था। कंपनी ने सेकेंड क्वार्टर में अपना हाइस्ट रेवेन्यू, एबिटा और नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है और ये जो ग्रोथ था ये डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ के दम पे हमें देखने को मिला है। और आउटलुक को लेकर अगर हम देखें तो कंपनी ने ये कहा है कि करंट ऑनगोइंग क्वार्टर जो है, जो कि Q3 है FY23 का, उसमें उन्हें रॉ मटेरियल प्राइसेस में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली है जिसके वजह से शायद मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है आगे चलते। और फ्लिप साइड में अगर हम देखते तो बाटा के रिजल्ट्स काफ़ी वीक आए थे। अगर आप देखेंगे तो मार्जिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे काफ़ी ड्रॉप हुआ है, 26 से 19% पे आया है मार्जिन। और इसके पीछे का रीज़न ये था कि पहले रॉ मटेरियल प्राइसेस हायर होने के कारण ग्रॉस मार्जिन्स में कमी थी और हायर अदर एक्सपेंसेस के कारण कंपनी के एबिटा मार्जिन्स में भी एक शार्प ड्रॉप देखने को मिला। अदर एक्सपेंसेस हायर इसलिए थे क्योंकि कंपनी ने एक प्रोविजन किया था 11 करोड़ का, रिनोवेशन था और मार्केटिंग स्पेंड्स खासकर अगर आप देखेंगे तो वो 5% पे पहुंच गए थे अपने सेल्स के सामने। यूजुअल एनुअल रन रेट होता है करीब 2.3 to 2.5%। सो हायर मार्केटिंग स्पेंड्स के कारण हमें ये बड़ा मिस देखने को मिला है बाटा इंडिया के रिजल्ट्स में सेकेंड क्वार्टर। तो आपके त्रिमूर्ति स्टॉक्स में आज ईक्लर्क्स, साथ ही दो नंबर्स बाटा फुटवेयर इंडस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे। लिबर्टी के भी नंबर्स आए थे और वहां पर भी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है बाटा, और इससे पहले हमने देखा था कि रिलैक्सो के भी नंबर्स वीक आता और साथ ही मिसेस बैक्टर के रिजल्ट जहां पर आपको वॉल्यूम ग्रोथ और प्रॉफिट दोनों में इजाफा देखने को मिला।